नमस्ते बच्चों, हमारे शरीर को ताकतवर रखने के लिए हमें व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करने के लिए हम खेलकूद भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए खेलकूद बहुत पसंद है। अपने पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद करना भी चाहिए, क्योंकि इससे उनका शरीर बहुत ताकतवर बन जाता है और उनके मन को नई शक्ति मिलता है और वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए खेलकूद करना बहुत आवश्यक है। आज हम इस खेलकूद में प्रसिद्ध एक खेल है, उसका नाम है बैडमिंटन। उस खेल के बारे में पढ़ेंगे। उस बैडमिंटन में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है पुसराला वेंकट सिंधु, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के पाठ का नाम है पुसराला वेंकट सिंधु। इस पाठ में एक माँ अपनी बेटी को इस खिलाड़ी के बारे में बता रही है। आइए अब हम पाठ को पढ़ेंगे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, पावनी स्कूल से लौटकर चहकती हुई बोली। शाम के समय है, एक बेटी अपनी स्कूल से लौटकर वापस घर आ गई है और वो आते आते ही अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह उस लड़की का नाम है पावनी। वो बता रही है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ऐसे कहकर चहकती हुई बोलती है। चहकती का मतलब है कुंजन करना, यानी कि बहुत प्रसन्न से, बहुत खुशी खुशी से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और माँ उनसे पूछती है, अपनी इस खुशी का कारण तो बताओ। और पावनी कहती है, मुझे स्कूल की बैडमिंटन जूनियर टीम में चुना गया है, आपकी तरह मैं भी बैडमिंटन खिलाड़ी बनूंगी। मुझे नया बैडमिंटन रैकेट दिला दीजिए मेरी माँ, इस तरह कहती है। वो एक लड़की पावनी स्कूल से वापस आकर शाम को स्कूल से घर लौटते वक्त अपनी माँ से कहती है कि वो आज बहुत खुश है। तब माँ उनसे पूछती है कि उस खुशी का कारण क्या है। तब वो बताती है कि उसके स्कूल में बैडमिंटन का टीम चुना गया, उस टीम में ये पावनी भी चुन गई है। और वो कहती है, मैं आज स्कूल में बैडमिंटन टीम में शामिल हो चुकी हूँ और मैं भी अपनी माँ की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बनूंगी। मुझे नया बैडमिंटन दिला दीजिए माँ, ऐसे वो पूछती है। और माँ कहती है, हाँ हाँ, पहले हाथ मुंह धोकर आओ, खाना तैयार है। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन खाना भी बहुत जरूरी है। और वो जब पावनी वो अपनी माँ से पूछती है कि मुझे नया बैडमिंटन रैकेट दिला दो, तब माँ कहती है, हाँ मैं जरूर दिला दूंगी, पर उससे पहले तुम अपने हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खेलने के लिए खाना बहुत जरूरी है, पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, इस तरह वो बताती है। तभी पीवी सिंधु की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बनोगी। और फिर वो माँ कहती है, तुम इस तरह अच्छे अच्छे खाना खाकर खेलोगे तो तुम भी एक ना एक दिन पीवी सिंधु की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बनोगी। पीवी सिंधु का मतलब है पुसराला वेंकट सिंधु, तुम भी उसकी तरह बनोगे। उसके बाद खाना खाकर पावनी माँ के पास आकर बैठ गई। वो पावनी ने अपनी माँ का बात सुनकर खाना खाकर फिर से अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। तब पावनी पूछती है, माँ आप पीवी सिंधु से मिली है? माँ, नहीं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन
उनके बारे में पढ़ा है और उनके मैच टेलीविजन पर देखती हूँ। और बेटी ने क्या पूछा माँ से, माँ आप पीवी सिंधु को जानते हो, आपने उसे देखा है क्या, इस तरह पूछती है। तब माँ कहती है नहीं मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन टेलीविजन पर टीवी पर उसका खेल को मैंने देखा है, वो बहुत अच्छी तरह से खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, लेकिन मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता था लेकिन उसे जारी नहीं रख पाई बस। और माँ कहती है मुझे भी बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता था लेकिन मैं उसे अभी तक नहीं खेल पाई, यानी कि अभी तक जारी नहीं रख पाई, जारी का मतलब है प्रचलित, आज मैं नहीं खेल रही हूँ, पिछले मैं खेलती थी लेकिन अब मैं नहीं खेल रही हूँ, अभी तक मैंने उसे जारी नहीं रखा है, इस तरह वो बताती है। पावनी मुझे उनके बारे में जानना है। तब पावनी कहती है कि मुझे पुसराला वेंकट सिंधु के बारे में कुछ जानना है, वो क्या थी, कैसी थी, वो क्या क्या पढ़ा, वो क्या काम कर रही है, वो कैसे बैडमिंटन खेलना शुरू किया, ये सब मुझे बताओ, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, ऐसे पूछने लगी। तब माँ उनसे पूछती है पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसराला वेंकट सिंधु है, उनका जन्म 5 जुलाई 1995 में हैदराबाद में हुआ था। तब माँ बताती है पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसराला वेंकट सिंधु और उसका जन्म कब हुआ, 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। पिता पीवी रमन को सन 2000 में खेल के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पीवी सिंधु के माता पिता दोनों भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनके माता पिता। और पिता का नाम क्या है, पीवी रमन, उनको भी खेल रत्न का बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाधि अर्जुन अवार्ड उसको मिला है। खेल में रुचि उन्हें विरासत में मिली थी, माता पिता ने सिंधु को खेलने के लिए सदा प्रोत्साहित किया। उनके सिंधु के माता पिता दोनों भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसीलिए अपनी उसकी बेटी को भी खेलने का बहुत शौक था लेकिन उसने बैडमिंटन खेलना अपना पसंद कर लिया। और ये खेलने की रुचि उनको उनके विरासत से मिला है, विरासत का मतलब है पूर्वजों से, अपने माता पिता से ही उन्हें खेलने की शौक लगा है, इस तरह वो कहती है। 8 वर्ष की उम्र से ही सिंधु ने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। वह पुलेला गोपीचंद से बहुत प्रभावित हुई थी जो 2001 में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन थे। जब वो बहुत छोटी थी, पीवी सिंधु जब बहुत छोटी थी, 8 वर्ष की थी, तभी उसको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, बहुत मन था उसे। तब वो पुलेला गोपीचंद, ये भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है, प्रकाश पड़कोणे के बाद जो प्रसिद्ध हुआ वो है पुलेला गोपीचंद। इसके बारे में जानकर, इसका खेल को देख देख कर पीवी सिंधु को भी वही बैडमिंटन खेलने का बहुत मन हुआ। ये पुलेला गोपीचंद को 2001 में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन बन गए थे। वो भारतीय खिलाड़ी होने पर भी उनको
इंग्लैंड के ओपन बैडमिंटन चैंपियन बन गए थे वो। सिंधु ने तभी ठान लिया था कि वह बैडमिंटन को ही अपना कैरियर बनाएगी। उसको देखते कर उसने बहुत छोटे से उम्र में भी निर्णय कर लिया था, ठान लिया था। ठान का मतलब है निर्णय कर लिया था। वो बहुत छोटे से उम्र में ही निर्णय कर लिया था कि मैं भी उसी के तरह, गोपीचंद की तरह एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगी और इसी को मैं बैडमिंटन को ही मैं अपना कैरियर बनाऊंगी। कैरियर का मतलब है पेशा, वृत्ति। कैरियर का मतलब है वृत्ति, पेशा। मैं इसी को मेरा वृत्ति बना लूंगी, मेरा कैरियर बना लूंगी, मैं इसी में आगे बढ़ूंगी। ऐसा वो बहुत छोटी सी उम्र में ही सोच कर रखा था। पावनी, मगर वह स्कूल भी तो जाती होंगी ना, फिर बैडमिंटन के खेल की बारी किया उन्होंने कहां से सीखी? तब वो पावनी अपनी माँ से पूछती है, वो तो बहुत छोटी थी, 8 साल की थी, तब उसे स्कूल भी तो जाना पड़ता था। तो वो स्कूल जाकर और इस बैडमिंटन के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त किया? उस खेल की बारी किया उन्होंने कहां से सीखी? बारी की बारी किया का मतलब है सूक्ष्मता। उस खेल की छोटी छोटी बातों को उन्होंने कैसे सिखाया, कैसे सीखा, ये सब बातों को वो अपनी माँ से पूछती है। और माँ कहती है, सबसे पहले सिंधु सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे के बैडमिंटन कोर्ट में खेलने जाती थी। पहले सिंधु जब बहुत छोटी थी तब वो रेलवे डिपार्टमेंट के सिकंदराबाद में रेलवे के बैडमिंटन कोर्ट में खेलने के लिए जाती थी। वहां से उन्होंने खेल की बुनियादी बातें सीखी। तभी वहां पर जाकर खेलते खेलते वो उस खेल के शुरुआत की बातों को, वो कैसे खेलना है, कहाँ पर खड़ा है, खड़े होना है, इन सब के बारे में छोटी छोटी बातों को, प्रारंभ की बातों को उन्होंने सीखा। फिर पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में शामिल हो गई। उसके बाद छोटी छोटी बातों को जानकर खेलने के लिए शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक कोचिंग क्लास में, गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में उन्होंने उनको दाखिल किया गया और वहां पर वो अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिया। साथ साथ 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सिकंदराबाद से ही बीकॉम करने के बाद अब एमबीए भी कर रही है। वो पढ़ते भी है और खेलते भी है। वो उस ट्रेनिंग क्लास में दाखिल होने के बाद वो अपना पीयूसी 12वीं परीक्षा का मतलब है पीयूसी परीक्षा को भी उसने पास कर दिया। और सिकंदराबाद में ही उन्होंने बीकॉम भी पूरा किया और अब एमबीए भी कर रही है, यानी कि डबल डिग्री कर रही है। यही नहीं, पढ़ाई और खेल के साथ साथ नौकरी भी करती रही है। अभी वो पढ़ाई करने के बाद काम भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है। पहले भारत पेट्रोलियम के हैदराबाद ऑफिस में डिप्टी मैनेजर थी, अब आंध्र प्रदेश राज्य सरकार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यतर है। और वो अपनी डबल ग्रेजुएशन पाने के बाद वो कौन सा काम किया, वो पहले भारत पेट्रोलियम के हैदराबाद ऑफिस में डिप्टी मैनेजर बन गई थी वो। और उसके बाद अब वो आंध्र प्रदेश के एक शहर में वो डिप्टी
कलेक्टर बन गई है, डिप्टी कलेक्टर बनकर अब वो काम कर रही है। ये सब पुसरला वेंकट सिंधु के बारे में आज हम जान चुके हैं। वो पहले बहुत छोटे उम्र में ही उसको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, क्योंकि उसके माता पिता दोनों भी वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। इसी के विरासत से उनको भी खेलने के लिए बहुत शौक था, और वो गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद के खेल को देखते कर वो भी बैडमिंटन खेलने का प्रयास किया और उसी में रुचि लाई। और उसके बाद उनके माता पिता ने उसको गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी में उसका दाखिल करवाया, और उस खेलते खेलते ही उन्होंने अपना पीयूसी पास किया, डिग्री पास किया और एमबीए भी पास करके काम भी कर रही है। आज वो नौकरी भी कर रही है। बच्चों आज के लिए यही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।